तो इनका एक जमीन है जो अतिक्रमण ग्रस्त था, तो इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए दो लोक शिकायत में आवेदन भी दिया था, और दोनों आवेदन में जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी का आदेश प्राप्त था कि अतिक्रमण को हटाया जाए या अवैध है उसको हटाया जाए, और सीओ का आदेश प्राप्त था, पर सीओ चंद्रजीत प्रकाश ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मजबूरन इन्हें चंद्रजीत प्रकाश को कुछ पैसे की डिमांड जो हुई उसको पूरा करना पड़ा। मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी जारी है। ऐसे में चाहे वो छोटे स्तर के अधिकारी हो या फिर बड़े स्तर के अधिकारी, अगर भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं तो उन पर तलवार लटकती ही जा रही है। अब ऐसे में बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां सीओ को निगरानी विभाग ने रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें सीधे हम आपको सीतामढ़ी से दिखाएंगे और देखिए निगरानी विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। क्या मामला है सर? ये मामला यही सीतामढ़ी जिले का है। यहाँ के जो एक मूल निवासी है गौरीशंकर प्रसाद नाम, गौरीशंकर सिंह, तो इनका एक जमीन है जो अतिक्रमण ग्रस्त था, तो इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए दो लोक शिकायत में आवेदन भी दिया था, और दोनों आवेदन में जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी का आदेश प्राप्त था कि अतिक्रमण को हटाया जाए या अवैध है उसको हटाया जाए, और सीओ का आदेश प्राप्त था, पर सीओ चंद्रजीत प्रकाश ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मजबूरन इन्हें चंद्रजीत प्रकाश को कुछ पैसे की डिमांड जो हुई उसको पूरा करना पड़ा। तो आज सुबह चंद्रजीत प्रकाश पैसे लेते हुए, 25,000 रुपये लेते हुए नकद, अपने आवास पर जहाँ पर वो रहते हैं पकड़े गए। जी यही मॉडस ऑपरेंडी है कि जो परिवादी होता है वो पहले निगरानी ब्यूरो आता है और कंप्लेन देता है, कंप्लेन करने के बाद उस कंप्लेन का सत्यापन होता है, उसके बाद ही निगरानी कार्रवाई करती है। इस पे कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि हमें जो हमारा काम था ट्रैप करना, हम उसे पैसे जो भी मिले हाथ पर वो लेकर हम आए हैं, तो ये कहना, ये अनुमान लगाना भी सही नहीं रहा। जी गौरीशंकर सिंह यही बनौरा के हैं। क्या नाम हुआ सर आपने? मेरा नाम गोपाल कृष्णा है, मैं डीएसपी हूँ विजिलेंस में पटना। बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां डुमरा के सीओ निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ गए। निगरानी की टीम ने रेड किया, जिसमें सीओ चंद्रजीत प्रकाश को 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। निगरानी की टीम ने सुबह सवेरे इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहले से जाल बिछाया गया था और सीओ उस जाल में फंस गए। रिश्वतखोर सीओ चंद्रजीत प्रकाश को निगरानी की टीम गिरफ्तार करने के बाद पटना लेकर कूच कर गई है। बताया जाता है कि गौरी शंकर नामक शख्स ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए। सीओ ने उसे 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। वो वहीं गौरी शंकर 25,000 रिश्वत लेकर पहुंचा था, जहां निगरानी विभाग की टीम ने सीओ चंद्रजीत प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। तो जैसा कि आपने निगरानी विभाग के अधिकारी की बातों को सुना, सीओ को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया है, जहां एक शख्स के द्वारा सूचना निगरानी विभाग को मिली थी। इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि डुमरा के सीओ चंद्रजीत प्रकाश के द्वारा जमीन के अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए 50,000 रुपए की मांग की जा रही है, जिसके बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और इस जाल में डुमरा के सीओ बुरी तरीके से फंस गए, जहां 25,000 रुपए है वो रंगे हाथों लेते हुए वो पकड़े गए हैं और अब उन्हें पटना लाने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही। नमस्कार।